हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 9th. सो टुडेज आवर टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम. फर्स्टली आई विल डिस्कस व्हाट इज़ द फैक्टर थ्योरम, देन आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज. सो हियर द स्टेटमेंट इज गिवन, लेट पी एक्स बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड ए बी अ रियल नंबर सच दैट पी ए इक्वल टू 0. Then x minus a is a factor of px. Conversely, if x minus a is a factor of px, then pa equal to 0. Conversely के बाद जो ये स्टेटमेंट है इसकी हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैसे इक्वेशन फॉर्म होगी फैक्टर थ्योरम में, वो मैं आपको बताऊंगी. इसमें आपसे बोला है लेट पी एक्स बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1. सबसे पहले आपके पास जो ये पी एक्स पॉलीनोमियल है, आपने वो पॉलीनोमियल ऐसा लेना है जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो. मीन्स पी एक्स आपके पास वो पॉलीनोमियल होगा जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा. मीन्स या तो 1 होनी चाहिए उस पॉलीनोमियल की डिग्री, यानी कि 1 अगर पॉलीनोमियल की डिग्री होती है तो वो लीनियर होता है, ये बात आपको पता है. और अगर 1 से ग्रेटर होते तो वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, और 4 डिग्री वाला पॉलीनोमियल भी हो सकता है. तो मीन्स यहाँ पे जो पी एक्स होगा वो आपके पास उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1. एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए आपके पास कोई रियल नंबर है सच दैट पी ए इक्वल टू 0, देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. मतलब आपके पास ये ए जो है वो रियल नंबर ऐसा होना चाहिए कि इस पॉलीनोमियल पी एक्स में, यानी कि एक्स की जगह पे आप इस रियल नंबर को जैसे ही पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाए वो 0 आ जाए. अब आपको पता है इससे पहले मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, उसमें पी ए आपका यूज़ हुआ था. वहाँ पे पी ए क्या था, हमारे पास रिमाइंडर था. मींस ये एक ऐसा रियल नंबर है कि अगर आप उसको इस पॉलीनोमियल में पुट करते हैं तो आपका आंसर जो आना चाहिए, यानी कि जो रिमाइंडर आना चाहिए, वो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा इससे पहले वाले एक्सरसाइज में 0 आ रहा था ना, तो वो आपके पास ये ए पी एक्स पॉलीनोमियल में जैसे ही पुट होगा इस एक्स की प्लेस पे तो वो उसको 0 बना देगा. अगर वो उसको 0 बना देता है देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. देन वी हैव टू से दैट कि एक्स माइनस ए आपके पास इस पॉलीनोमियल पी एक्स का फैक्टर होगा. तो उसके लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यहाँ से यहाँ तक का जो आपकी इक्वेशन स्टेटमेंट आपका बनेगा वो हम लिखते हैं आपके पास. के लिए सब आपको बोला लेट पी एक्स बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1. आपने सपोज एक पी एक्स पॉलीनोमियल ले लिया इक्वल टू एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है, इस पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है. अगर पी एक्स आपका पॉलीनोमियल है, सपोज इस पी एक्स को आपने इस पी एक्स जो है आपसे बोल यहाँ पे बोला है कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है. एक्स माइनस ए फैक्टर है मीन्स एक्स माइनस ए इसको डिवाइड करेगा, ओके, इंटू एक्स माइनस ए इसको डिवाइड करेगा तो ये किसका काम कर जाएगा यहाँ पे, डिवाइज़र का. और पी एक्स आपका हो जाएगा डिविडेंड. ये डिवाइज़र कैसे बना, यहाँ पे प्रॉपरली आपको दे रखा है एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है इट मीन्स ये इसको डिवाइड करेगा. जैसे हम कहते हैं ना 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, अगर 5 10 का फैक्टर है तो इट मीन्स क्या होता है, 5 डिविजिबल होता है 10 से. 5 टू जा 10 होता है, 2 टाइम जो चले जाता है डिवाइड हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंट हो गया, इंटू क्वेश्चन को हमने क्यू एक्स सपोज कर लिया, जो कि आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं है क्वेश्चन. अब वो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है और ए कोई ऐसा रियल नंबर है कि इस ए को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे और एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो, सपोज मैंने भी यहाँ पे इसको आर एक्स करके डिनोट करा है. अब ये आर एक्स क्या है, आर एक्स मीन्स आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम में पी ए ये जो था रिमाइंडर था, पी ए आपका रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर था. और यहाँ पे पी ए की वैल्यू आपको 0 दे रखी, 0 दे रखी मीन्स आपके पास ये रिमाइंडर 0 है. ये रिमाइंडर 0 है तो ये इक्वेशन क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स. अब जब कोई इक्वेशन इस तरीके से मिलती है आपको, सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ आपके पास, मैंने लिखा है 20 इक्वल टू 4 इंटू 5. आपको पता है 20 इक्वल टू 4 इंटू 5 होता है, 4 5 से 20 होता है. इस
इस केस में जो ये मैंने एक प्रोडक्ट लिखा है 24x5 के प्रोडक्ट में जो लिखा है, आप क्या क्या बोलते हैं? हम इसको ऐसे बोलते हैं ना, फोर इज़ अ फैक्टर ऑफ 20 एंड फाइव इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 20। फोर भी 20 का फैक्टर है, फाइव भी 20 का फैक्टर है। इट मीन्स ये प्रूफ हो गया ना, यहाँ यहीं पे इसको दिख रहा, ये तो शो हो रहा है आपके पास इजीली, आपके नंबर फॉर्म में आपको दिख रहा है कि फोर इसका फैक्टर होता है 20 का और फाइव भी फैक्टर होता है। इस केस में अगर आपके पास पी एक्स इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी तो आप इसके अकॉर्डिंग से, आपने इसके लिए बोला, हम यहाँ पे इसके लिए बोल सकते हैं कि एक्स माइनस इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैंने यानी कि ये दोनों ही इसके फैक्टर है, तभी हमारे पास ये रिमाइंडर ज़ीरो हुआ है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हमने यहाँ से यहाँ तक का समझा और ये फैक्टर थ्योरम यहीं पे प्रूफ होगी। अब बात करते हैं कन्वर्जली। कन्वर्जली मीन्स ये जो कन्वर्जली यहाँ पे आपको शो करा है, यही आपने पूरी एक्सरसाइज में लगाना है। यहाँ पे आपसे बोला कन्वर्जली इफ़ एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कन्वर्ट मतलब आपसे उल्टा कर देना, आपने उल्टा पूछ लेना कि अगर यहाँ पे उल्टा उल्टी उल्टा प्रोसेस हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो आपके पास ये जो आर एक्स है, आर एक्स मीन्स पी ए, आर एक्स मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब पी ए, अगर ये इसका फैक्टर है तो आप इस पी ए को ज़ीरो करो। अभी इससे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास पी ए ज़ीरो है तो ये इसके फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। अब मैं कन्वर्जली पूछ रही हूँ कि अगर ये इसका फैक्टर है, तो आपने प्रूफ करना कि रिमाइंडर जो यानी कि जो ये पी एक्स होगा यानी कि आर एक्स जो होगा वो जीरो आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। एग्जांपल मीन्स एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उसके थ्रू हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल अभी एक वेरिएबल फॉर्म में छोटा सा पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। वेरिएबल फॉर्म में सपोज आपके पास मैंने पूछा है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पुट करा है कि एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यहाँ पे आपसे बोला है कि कन्वर्जली पूछा है कि ये इसका फैक्टर है, एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब पी ए आपका कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये इसका फैक्टर है, इसको चेक करने के लिए आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये इसका फैक्टर है, इसे चेक करने के लिए एक्स माइनस ए की आप वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ए आपके इधर जाएगा, तो जीरो प्लस ए हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी। एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी तो आप इस एक्स की वैल्यू ए को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे पी एक्स में, आप एक्स इस एक्स की प्लेस में एक्स इक्वल्स टू ए पुट कर देंगे, तो आपके पास इसको पुट करने पर क्या होगा, आपके पास चेक हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। और अगर ये इसका फैक्टर होगा मींस आपका आंसर जीरो आएगा। एक्स की प्लेस में मैं आपने ऐसे यहाँ पुट करा, तो मींस आपके पास जो आंसर आना चाहिए यानी कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो ये तो आपके पास नॉर्मल थ्योरम के अकॉर्डिंग था। अब इससे बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमारे पास है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर, मतलब इन पॉलिनोमियल में से एक्स प्लस 1 किसका फैक्टर है, ये आपने चेक करना है। अब एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो मैंने आपको भी इससे पहले बताया था कि ये इसका फैक्टर है, चेक करने के लिए आपको जो भी फैक्टर इस जिसकी चेकिंग आपने करनी है यानी कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से जो ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस एक्स प्लस वन को आप जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, इस माइनस वन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, माइनस वन क्यूब देन माइनस वन स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स डिविडेंड है ये आपके पास, माइनस वन प्लस वन। ओके, नाउ माइनस वन क्यूब इज माइनस नेगेटिव का पावर, अगर आपके नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाता है, एंड माइनस वन स्क्वायर इज प्लस वन, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, ज़ीरो आ गया। अगर ये ज़ीरो आ गया, इट मीन्स यू कैन से दैट एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट एक्स प्लस वन क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस वाले पॉलिनोमियल का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो एक्स प्लस वन आपको पास गिवन है उसको जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन इन दिस इक्वेशन, माइनस वन टू द पावर फोर यानी कि इवन नंबर है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, माइनस वन क्यूब माइनस है और नेगेटिव पावर इसकी थ्री है तो ये नेगेटिव, प्लस वन प्लस माइनस माइनस वन एंड दिस इज़ वन, ये बोथ आर कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे आपको आंसर वन मिलना, इट मीन्स एक्स माइनस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका मतलब एक्स माइनस वन आपके पास इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सो अवर जो आपने जिसकी चेकिंग करनी है वो एक्स प्लस वन है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास वन को आप जीरो की तरफ जाएंगे तो माइनस वन जाएगी, देन इस माइनस वन को आप यहाँ पुट कर देंगे, माइनस वन टू द पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, प्लस इस एक्स की जगह माइनस वन कर दिया, इस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस वन स्क्वायर, क्यूब की जगह माइनस वन क्यूब, फोर की जगह एक्स की एक्स टू द पावर फोर की जगह माइनस वन टू द पावर फोर, एक्स टू माइनस वन टू द पावर फोर इज पॉजिटिव वन, प्लस थ्री माइनस वन क्यूब इज माइनस वन है ना, प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर इज पॉजिटिव वन, प्लस माइनस माइनस प्लस वन, सो वन प्लस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, माइनस वन एंड प्लस वन एज इट इज़ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं और इसकी वैल्यू भी हमें वन मिल गई, मीन्स ये आपके पास ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल था इसको आपने पी एक्स लिया है, आपने यहाँ पे इस एक्स की प्लेस पे क्या रखा था, माइनस वन रखा था और पी माइनस वन आपको कितना मिल गया वन, यहाँ पे पी वन, पी वन कितना मिला था आपके पास, आपको वन मिला था, और यहाँ पे आपने जब एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी थी पी माइनस वन यहाँ पे से वन था और यहाँ पे पी माइनस वन आपके पास ज़ीरो था, पी माइनस वन मतलब ये जो पॉलिनोमियल है आप इसको पी एक्स सपोज ऐसे भी कर सकते हैं, ओके और डायरेक्टली जैसे मैंने करा ज़रूरी नहीं है पी माइनस वन यहाँ पे इसको मेंशन करना, बट अगर आप मेंशन कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज वैसे भी ठीक है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास लास्ट पार्ट, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, यहाँ पर आपने ये पी एक्स, आप इसको पी एक्स ले लीजिए, एक्स एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल एक्स की वैल्यू माइनस वन आए, देन पुट कर दीजिए माइनस वन एक्स की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू माइनस वन, जहाँ जहाँ पे एक्स है मैं वहाँ पे माइनस वन पुट कर रही हूँ, ओके, नाउ माइनस वन क्यूब इज नेगेटिव वन, माइनस वन स्क्वायर इज पॉजिटिव वन, बट आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस ही जाएगा, एंड माइनस टू प्लस, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये माइनस वन है और ये माइनस टू है, माइनस माइनस प्लस टू, इसको पहले मैंने प्लस टू कर दिया और ये टू प्लस रूट टू को अभी मैंने एज इट इज़ रखा है, देन रूट टू, ओके, माइनस वन एंड माइनस वन बोथ आर नेगेटिव साइन, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाता है बट साइन नेगेटिव ही रहता है, वन एंड वन कितना हो गया टू, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, टू टू जा फोर और टू टू इंटू रूट टू टू रूट टू, ओके फोर, ये ठीक है, ये नंबर है पॉजिटिव फोर एंड नेगेटिव टू, प्लस माइनस माइनस, फोर में टू माइनस करा टू करेंगे बट नेगेटिव जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए ये रूट टू एंड रूट टू,
रूट टू के आगे कोफिशेंट टू एंड इस रूट टू के आगे कोफिशेंट वन। तो ये रूट टू जो है उनके रूट टू आपका एक टाइम लिखा जाएगा और उसके जो कोफिशेंट है वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि टू प्लस वन आपके पास कितना हो जाएगा, थ्री रूट टू। ओके, कितना हो गया, थ्री रूट टू। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये टू नहीं है, सॉरी, इसको टू को हटा दीजिएगा। अगर ये टू हट जाएगा तो ये टू रूट टू ही रहेगा आपके पास। ओके, ये टू रूट टू रहेगा तो ये लाइन में कट करती हूँ। यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया था साइन, ठीक है, टू प्लस रूट टू, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन ऐसे रहा। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा टू कर दिया था बाय मिस्टेक, इस टू को मैंने यहाँ पे से हटा दिया, ठीक है। अब इक्वेशन ये है, अब इसके बाद अब यहाँ पे से देखिएगा, माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। ओके, तो माइनस टू से प्लस टू कैंसिल, रूट टू कितना हो गया, रूट टू प्लस रूट टू कितना होता है, टू रूट टू। इनके आगे क्वेश्चन वन वन है, वन टू हो जाएगा, टू रूट टू हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास,